हेलो दोस्तों, मैं इस लेसन में मैं आपको फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट स्पेशल के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं, जैसे कि हम इक्वल और आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके एंटर मारेंगे तो हमारे पास कुछ पैराग्राफ आ गया, दो तीन पैराग्राफ आ गया। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और इससे हम थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं, कैपिटल का फॉन्ट को इंक्रीज कर लेते हैं। इसके बाद अलग स्टाइल में कर देते हैं हम। अब इंक्रीज करने के बाद अब देखिए ये अलग स्टाइल है और नीचे वाला पैराग्राफ अलग स्टाइल में। अगर इसी के जैसे मुझे ये वाला भी पैराग्राफ करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे तो नॉर्मली तौर पर यही करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सब जो हमने किया था पहले इस पैराग्राफ में, वही सेम इस पैराग्राफ में मुझे करना होगा। बट ये सब हमें करने के बजाय हम सिर्फ एक ऑप्शन का यूज करेंगे, फॉर्मेट पेंटर। अब जैसे मान लो इसके तरह इसको करना है, इसके फॉर्मेट के जैसे, ऊपर वाले फॉर्मेट के जैसे नीचे वाला फॉर्मेट को अगर करना है तो पहले ऊपर वाले फॉर्मेट को थोड़ा सा सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट पेंटर पे आना है और यहाँ से आने के बाद जिस पैराग्राफ को करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके छोड़ देना। तो बिल्कुल सेम देखिए उसी के जैसे ये हो चुका है, बस सेकंड में नहीं तो नॉर्मली कोई करता है तो बहुत टाइम लगता है और शायद होगा भी नहीं, होगा हो तो जाएगा बट टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। अगर इसके जैसे ऊपर वाले को करना है तो इसे सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पर आ जाओ और ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लो, आप सेलेक्ट करते ही आपका ये आ जाएगा। ये चीज़ होता है। नेक्स्ट में आपको इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होता है और जहाँ पर करना है आपको फॉर्मेट पेंटर इसका इसकी इसी जैसे उसको कंट्रोल शिफ्ट वी होता है उसका पेस्ट। इसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट बता दूँ आपको, ये तो कट और यहाँ से पेस्ट करने पर सबको आता ही हूँ, जितने बार पेस्ट करो आते जाएगा, बट मैं आपको पेस्ट स्पेशल बताता हूँ वो क्या होता है। जैसे कि हमने कुछ भी हम लिख देते हैं, जैसे कि TIK और इसका साइज़ को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से इसका साइज बढ़ता है किसी भी फॉन्ट का और लेस देन से छोटा होता है। तो हम यहाँ से इसको हम इंक्रीज करके इतना कर लिया, इसके बाद हम यहाँ से कट कर लेंगे, कट का कंट्रोल एक्स होता है शॉर्टकट की और इसके बाद यहाँ पर जाएंगे पेस्ट पर। पेस्ट का तो मतलब पता ही आपको कि दोबारा आ जाएगा, मगर पेस्ट स्पेशल हम जब क्लिक करते हैं तो ये अलग अलग फॉर्मेट होता है, इसमें HTML का फॉर्मेट है आपका, इसके बाद अनफॉर्मेटेड है, कोई फॉर्मेट नहीं रहेगा, पिक्चर फॉर्मेट में कर सकते हो, ऐसे ही कई सारे फॉर्मेट हैं। इसमें हम क्या करते हैं पिक्चर फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ओके करते हैं। अब देखिए लगेगा कि आपको सेम है, वैसे ही है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बट आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से देखो कि चेंजेस आपको दिख रहा होगा। जैसे आप इसको उल्टा करना है ना तो आप यहाँ से उल्टा कर सकते हो, अब टिक टिक इस तरह से कोई उल्टा लिख नहीं सकता है, वैसे नॉर्मली तौर पे MS Word में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे आप लिख सको इस तरह से, मगर आप इससे जो है आप इस तरह से लिख सकते हो। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट करें और कोई सुझाव हो तो वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हो, कोई क्वेरी हो तो वो भी आप लिख सकते हो। धन्यवाद।